आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के डॉक्टर प्रसीन पंडा। नमस्कार। कोरोना को हराने के 3 मूल मंत्र हैं, मास्क लगाना, हाथ और मुंह साफ रखना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना। इन्हीं तीन मूल मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए आज पूरी दुनिया ने कोरोना को मात दे दी है। फिर भी बहुत से ऐसे सवाल हैं, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब जानने बहुत जरूरी हैं। और अब कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन भी आ चुका है, फिर भी कहीं न कहीं मन में एक ऐसा संशय है, क्या कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो चुका है? क्या कोरोना कहीं दोबारा लौट कर तो नहीं आएगा? क्या मुझे कोरोना हो तो नहीं जाएगा, या फिर वैक्सीन लगाऊं या ना लगाऊं? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए पिछले साल भर से हम लगातार आकाशवाणी के माध्यम से आपको बताते रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए, उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ। आज हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के डॉक्टर प्रसेन। डॉक्टर प्रसेन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है जो आप पूछना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञ से, तो आप पूछ सकते हैं। आपको फोन करना है 1800-1157-67 पर। देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। यह नंबर टोल फ्री है। इसके अलावा आप लैंडलाइन नंबर 2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर प्रसेन, जैसे कार्यक्रम के शुरुआत में हमने कहा कि मास्क लगाना, हाथ और मुंह साफ रखना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना, ये 3 महामंत्र हैं, मूल मंत्र हैं कोरोना से बचने के लिए। और अब वैक्सीन भी आ चुका है इससे लड़ने के लिए। तो अब जब वैक्सीन आ चुका है और ये सफलतापूर्वक पूरे देश में लगाया जा रहा है, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नजर नहीं आ रहे हैं, तब क्या हमें इन 3 मंत्रों को अब भूल जाना होगा या आगे हमें इन्हीं के साथ चलना होगा? नहीं, इसी 3 मंत्र के साथ ये 4th मंत्र जुड़ गया है जी। तो ये 3 मंत्र तो मूल मंत्र ही है, बिकॉज जो एक बार मंत्र ले लेते हैं, आपको जैसे पता है कि हम लोग दीक्षा लेने के बाद मंत्र छोड़ते नहीं है, तो ये सेम ही है। ये 3 को हम छोड़ेंगे तो इवन भी हम वैक्सीन लेते हैं तो फिर भी कोई दूसरा नया वायरस आ सकता है, इवन भी वायरस म्यूटेट करके भी आ सकता है जिसमें कभी कभी वैक्सीन का कम फायदा होता है। तो ये 3 मूल मंत्र तो 100% रहना जरूरी है। उसके साथ 4th मूल मंत्र जो आया वैक्सीन, उसको भी लगाना जरूरी है जी। डॉक्टर प्रसेन, जिस तरह से कोरोना अपना रूप बदलता है और ब्रिटेन में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उसने अपना रूप बदला है, अगर ये भारत में अपना रूप बदलता है भविष्य में, तो क्या ये वैक्सीन उतने कामयाब होंगे? हाँ, अभी तो जितना हम स्टडी हुआ है कि ब्रिटेन के जो स्ट्रेन नया निकला है उसके अगेंस्ट में ये काम कर पा रहा है, तो पर ये मानना है कि जो कोरोना वायरस है, ये जो सार्स को V2 बोलते हैं इसको, तो ये हाईली म्यूटेटेड वायरस है। तो जब जितना म्यूटेशन होता है उतना चांस कम हो जाता है, पर अभी तक तो ये है कि ये एक्टिव है, जो वैक्सीन हम ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में काम कर पा रहा है। पर वायरस के ऊपर एक्चुअली ज्यादा भरोसा करना ये एक मतलब साइंस के लिए नामुमकिन जैसा हो सकता है कि हम हर म्यूटेटेड के लिए वैक्सीन अभी तुरंत काम कर सकते हैं, पर अभी जो वैक्सीन अवेलेबल है ये जितने म्यूटेशन अभी हुआ है उसके अगेंस्ट में काम कर पा रहा है, तो ये अभी बड़ी बात है। पर आगे के लिए हमको साइंस ही धीरे धीरे बता सकता है कि जो म्यूटेशन नया आएगा उसके अगेंस्ट में काम कर पाएगा नहीं, पर डरने का कोई बात नहीं, बिकॉज नया वैक्सीन हम थोड़ा चेंज होते जाएगी। आपने देखा होगा जो H1N1 के नाम जब एग्जाम्पल हम लेते हैं, या मतलब पता करने के लिए, याद करने के लिए, तो वो नया हर साल में नया नया स्ट्रेन आता है, तो हर साल नया नया वैक्सीन बनता है, तो सेम कोरोना भी आ जाएगा, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर, ये स्ट्रेन जब अगर नया आएगा तो दोनों ही वैक्सीन इस पे कामयाब होंगे, और भी बहुत से वैक्सीन इस समय अवेलेबल हो जाएंगे, तो एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसको कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए या कौन सा वैक्सीन नहीं लेना चाहिए? इसके लिए कोई ज्यादा मतलब सोचने का बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा भारत में गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बहुत सारा
डिसिप्लिन बना दिया है वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन किसको लगाना है, उसके बारे में क्या नॉलेज आया है। तो जस्ट हम लोग एक्चुअली अपडेट रहना चाहिए इन द सेंस कि इसे मीडिया के माध्यम से, रेडियो से, टीवी से, न्यूज़पेपर से, तो हर जगह से गवर्नमेंट ने अपने अपने संदेश देते रहेंगे, तो उसी हिसाब से पता चल जाएगा कि नया स्ट्रेन कब आ रहा है, उसके लिए वैक्सीन काम करेगा कि नहीं है। तो आज के जमाने में जब से मतलब मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है और हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में लीव करते हैं, तो सब लोग ट्रांसपेरेंट मतलब सुनिश्चित रहें, बहुत सारा न्यूज जितने भी जल्दी आ जाएगा आप सभी को पता चल जाएगा, तो उसमें कोई मतलब छुपने का कोई राज ही नहीं है, मतलब हर चीज हर लोग के पास पहुंच पा रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात ही डिजिटल वर्ल्ड में। डॉक्टर, वैक्सीन ने पूरे देश में सफलता प्राप्त कर ली है, साइड इफेक्ट्स भी नहीं है जैसा हम लोगों के सामने आ रहा है, जैसा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो मानसिक रूप से अपने आप को वैक्सीन के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है और उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपने सही बताया, बिकॉज अभी तक वैक्सीन अपने 77 लाख के आसपास आज तक एक्चुअली लोग ले चुके हैं, बट और भी ले मतलब मोर अपन हमारा 303 करोड़ के आसपास जो हेल्थ केयर वर्कर्स से तो ले सकते थे, इवन फ्रंटलाइन वर्कर से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर सभी के अंदर आ रहा है वैक्सीन को लेके कि नया वैक्सीन है, इसमें कोई ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट तो नहीं है कि नहीं है। पर अभी देखो 16 जनवरी से शुरू हुआ था हमारा वैक्सीन ड्राइव इंडिया में, तो अभी तक तो कोई सीवियर एडवर्स रिएक्शन तो कोई डेथ भी नहीं हुआ है, छोटे मोटे रिएक्शन होते रहते हैं, हम रास्ते में जाते हैं, आप सभी को पता है थोड़ा बहुत एक्सीडेंट का चांस रहता है, फिर भी हम रास्ते में जाते हैं, पर हम प्रिकॉशन लेके जाते हैं। उसी तरह वैक्सीन जब हम लगाते हैं, प्रिकॉशन हमको बताया जाता है कि आपके कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि नहीं है, नहीं है तो फिर आप आराम से लगा सक लीजिए। उसके बाद फिर भी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट जैसे थोड़ा पेन होना, बुखार आना, उसमें थोड़ा हो सकता है, कुछ कुछ लोग के होते हैं, उसके लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे पैरासिटामोल ले लेते हैं, थोड़ा हाइड्रेशन कर लेते हैं तो बॉडी ठीक हो जाता है। तो ये छोटे मोटे चीज एक्चुअली थोड़े बहुत होते रहते हैं, पर इसको नहीं लगाएंगे तो कितना नुकसान भोगना पड़ेगा वो हमको पता होना चाहिए सभी को। आप सभी लोग देखें कि कोरोना के कारण से कितने लोग हमारा डेथ हुए है, और वैक्सीन लेने के बाद सपोज मुझे प्रोटेक्शन मिल पाता है और थोड़े बहुत ही मतलब बुखार आना की पेन जो इंजेक्शन के पेन होता है उसको डर के मैं लगा पाता हूँ तो कितना फायदा होता है, मेरा जान बचने का चांस बढ़ जाता है और दूसरे को भी हेल्प होता है, जो हम बोलते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कि मुझे वैक्सीन लगाया तो मेरे चारों तरफ एक्चुअली जो दूसरे लोग होते हैं उसको भी एंटीबॉडी बन जाता है विद टाइम के हिसाब से। तो मेरे एक ही रिक्वेस्ट सभी के लिए रहेगा, तो वैक्सीन के लिए ना डरे, 100% सेफ है, 100% सेफ है, पर थोड़ा सा 0.0013% जो थोड़ा बहुत रहता है साइड इफेक्ट वो होती रहती है सभी चीज में। जी डॉक्टर, इस पे हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। इस बीच हम वाराणसी का रुख करते हैं, वहां से हमारे पहले श्रोता अपने सवाल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रतलब जैन। प्रतलब जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो जी सर। जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर प्रथम डोज लग गई है, ठीक है, द्वितीय भी लग गई है, जी, इसके बाद मतलब कितने समय तक ये एंटीबॉडीज काम करेगी? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, पहली डोज के बाद बूस्टर डोज भी लग चुकी है, कितने दिनों तक एंटीबॉडीज डेवलप रहेंगे और कितने दिनों बाद एंटीबॉडीज उसमें पैदा होंगे? जैसे हम पहले डोज लगाते हैं उसके 2 हफ्ते के अंदर एंटीबॉडी शुरू हो जाता है बनना, उसके बाद जब आप सेकेंड डोज बूस्टर डोज बोल सकते हो, सेकेंड डोज जो फाइनल डोज एक्चुअली लगा देते हो, उसके बाद तो आपको एंटीबॉडी मोर देन 95% बॉडी में आ ही जाता है। तो अब कितने दिन तक रहना है ये अभी एक मतलब बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, बट क्योंकि हमने अभी लगाना शुरू किया है पर विथ टाइम हमको पता चलेगा। पर जो लास्ट जितने स्टडी हुआ है, जो हम बोलते हैं कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 के हिसाब से, जिसके लिए पता चलने के बाद ये अप्रूव हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि एक्चुअली लग जाना चाहिए, तो उसमें पता चल रहा है कि कुछ महीने तक ये फायदा करेगा, पर कितने महीने तक ये जैसे हमारा शुरुआत हुआ है जैसे ये खत्म होते जाएगा आगे 6 महीने के बाद, फिर अब जब पता चल जाएगा कि एक्चुअली कोरोना कभी आ नहीं रहा है तो हम लोग बता सकते हैं मतलब कन्फर्म बेसिस में सियोरिटी में एग्जैक्टली कितने दिन तक काम करेगा, पर कुछ महीने मान सकते हो। वो जब तक हमने शुरुआत किए थे नवम्बर और इवन अक्टूबर के आसपास जो वैक्सीन के मैंने ट्रायल में, तो वो जो लोग लगाए थे वो अभी तक सेफ है, तो 4 महीने तो हो ही गया है, तो इसी हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि आप कुछ महीने तक हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 12 महीने भी हो सकता है, बट ये समय ही बताएगा ये आंसर, फाइनल आंसर। आइए अब पंजाब के पटियाला चलते हैं, जहाँ से जया जी हमसे जुड़ चुके हैं। जया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, नमस्कार। बताइए।
हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सीनियर सिटीजन कार्डिक पेशेंट्स हैं जिनके स्टेंट्स भी पड़े हुए हैं और वो ब्लड थिनने के लिए एस्पिरिन भी लेते हैं, तो उनको वैक्सीन लेना चाहिए? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि स्टंट पड़े हुए हैं और ब्लड थिनर भी लेते हैं, तो क्या इनको वैक्सीन ले लेना चाहिए? हाँ, इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं. कॉन्ट्राइंडिकेशन एक्चुअली थिनर के साथ नहीं होता, इसको हम थोड़ा रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं. इसलिए भी कभी कभी एक्चुअली लोग कभी एस्पिरिन सेंसिटिव होते हैं कि ड्रग रिएक्शन होता है. तो सपोज आपकी इनको पहले कभी भी कोई दवाई से या कोई चीज से खाने से कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, जो एलर्जिक रिएक्शन हम बोलते हैं, तो ये आराम से ले सकते हैं. अदरवाइज जो ब्लड थिनर होते हैं, इवन हार्ट पेशेंट है, तो उससे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है और आपको लेने से फायदा भी होगा. बिकॉज ये सपोज हार्ट डिजीज का पहले का पेशेंट है तो उसमें ज्यादा चांस सीवियर हो जाता है कोरोना जब होती है. तो इसमें बिना डर के आप ले लीजिए. जस्ट एक ही ध्यान रखेगा कि उनको थोड़ा सा पूछ सकते हैं कि पहले कभी कोई रिएक्शन हुआ था ना कोई भी खाने में बा कोई दवाई से बा कुछ जो स्टेंट में कुछ परेशानी हुआ था हॉस्पिटल के टाइम जब इंजेक्शन लगाए होंगे, तो नहीं हुआ है तो आराम से ले सकते हैं. जी डॉक्टर, परिवार में एक व्यक्ति को कोरोना का वैक्सीन लगा दिया गया है, लग चुका है, क्या परिवार के अन्य व्यक्तियों को भी वो वैक्सीन लेना जरूरी है? हाँ, ये लेना तो सभी को जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है. एटलीस्ट 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन जब ले लेता है तो उसमें हर्ड इम्यूनिटी और ज्यादा अच्छा हो जाता है. बट गवर्नमेंट एक साथ सभी को नहीं दे पाता है, तो हम एक एक करके जैसे अभी हेल्थ केयर वर्कर को देते हैं, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर मतलब उसके साथ देते हैं, फिर स्टेप टू में हम सीनियर सिटीजन मोर देन 50 ईयर्स, फिर लेस देन 50 विथ कोमोरबिडिटी को जो प्लान चल रहा है वो देना है. बट आपको समय के हिसाब से कुछ महीने कुछ दिन के बाद ये जो सभी के पास आ जाएगा, पर जब तक आपके फैमिली के मेंबर में एक का नाम आया है तो ले लेना चाहिए. ऐसा नहीं वेट करना चाहिए जब एक साथ आ जाएगा सभी को लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. बिकॉज आप जितना जल्दी जल्दी जाओगे तो आपके भी फायदा होता है, आपके चारों पास में उनको भी फायदा होने लगता है. और ये जस्ट समय की मांग है, थोड़ा वेट कर सकते हैं जब तक गवर्नमेंट सभी लोग को एक्चुअली जो सिस्टमेटिक करके दे रहा है. इतना डिसिप्लिन तो कभी भी कोई वैक्सीन के नहीं हुआ नहीं था, तो ये तो खुशी की बात है कि गवर्नमेंट सभी के लिए पहुंच रहा है. पर वो धीरे धीरे करके विद इन 2 मंथ्स के अंदर मेरे हिसाब से सबको हो जाएगा. आइए अब शारदा प्रसाद जी की जिज्ञासा सुनते हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं. बलरामपुर से हमसे जुड़ चुके हैं शारदा प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. हेलो सर जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? सर मैं वृद्ध हूँ तो अभी इंजेक्शन आएगा आने में थोड़ा लेट है, तो सर उसके लिए पहले हमको बताइए कि इम्यूनिटी बनाने के लिए. जी डॉक्टर, हो सकता है इनको इंजेक्शन थोड़ी देर में लगे या इनका नंबर देर में आए, तब तक ये अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं ये जानना चाहते हैं. हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, मैं आपको थैंक यू बताना चाहता हूँ आपके, बिकॉज ये जरूरी है. बिकॉज जैसे हमने बताया कि 2-3 महीने लग सकता है सभी के पास वैक्सीन पहुंचते, पर उससे पहले हमारा जो शुरुआत में हमने बताए थे जो हमारा 3 मूल मंत्र है, तो ये आपको हर टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग ही रहेगा. उसके अलावा आपको थोड़ा वो जो ध्यान देना है, हम बोलते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस, जितना आप लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा इन द सेंस कि आप क्या खाना खा रहे हो, पानी ठीक सफिशियंट पी पा रहे हो कि नहीं है, सफिशियंट रेस्ट ले रहे हो कि नहीं है, नींद ठीक हो रहा है कि नहीं है, एक्सरसाइज कर पा रहे कि नहीं है, सपोज ये 5 चीज आप ध्यान देते रहेंगे तो फिर आपके अच्छा लाइफस्टाइल बन जाती है. तो जब अच्छा लाइफस्टाइल होती है उसके साथ आप मास्क पहनते हो जब भीड़भाड़ में जाते हो बाहर जाते हो, उसके साथ जब आप थोड़ा दूरी बता देते हो जब भी भीड़ में रहते हो कि 1 मीटर कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा दूर आप पीछे हटके थोड़ा रहते हो, और जब आप हाइजीनिक करते हो, जब भी कभी बाहर की चीज हाथ में स्पर्श होती है, आप अंदर आके घर में जब रिटर्न करते हो तो साफ सफाई करते हो, तो इसमें आपके इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. तो इसलिए हम वेट कर सकते हैं, अभी 2-3 महीना इवन भी 6 महीने भी लग जाता कोई बात नहीं. तो ये कोरोना आने के बाद हम लोग को इतना सिखा दिया है हम लोग कितना लाइफस्टाइल अच्छा बना सकते हैं और कितना साफ सुथरा रह सकते हैं. तो ये जितना आप रखोगे उतना आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा. आकाशवाणी से कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे हैं कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के डॉक्टर प्रसेन. अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, फोन करना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है तो आप फोन कर सकते हैं 1800-1157-67 पर. इसके अलावा 2331-4444 पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं. दिल्ली के बाहर के श्रोता हैं तो इस नंबर से पहले 011 लगाना न भूलें. डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और है जो अक्सर सुनने में आ रहा है, पहली डोज मुझे लग चुकी है, उसके बाद मैंने बूस्टर डोज भी लगवा ली है, 6 महीने बीत चुके हैं,
अब क्या मुझे अपनी एंटीबॉडीज चेक करवानी पड़ेगी या मैं दोबारा इंजेक्शन लगाने के लिए वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हूँ? जब सपोज आपने क्लिनिकल ट्रायल में मान लो आगे होंगे जिसके कारण से 6 महीना आपको हो गया है जी, तो आपको एंटीबॉडी टेस्ट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपको दोबारा वैक्सीन लगाना के चाहिए कि नहीं है जी। तो ये डिसाइड होती है कि मोरोपन मेरा इम्यूनिटी अभी स्टेटस क्या है। पर अभी हम एक्चुअली साइंस के हिसाब से ही बोल रहे हैं कि जब भी एक्चुअली अभी पहला फेज चल रहा है उसमें हम जितने को दे रहे हैं वो प्रोटेक्शन तब तक चलता है जब तक कोई नया स्ट्रेन नहीं आ जाता है। फिर एक नया मैंने मुसीबत जैसे कोई तुरंत दोबारा मान लो कोरोना पैंडेमिक स्टार्ट हो जाता है मतलब सीवियर फॉर्म में, अभी तो हमारा डिक्रीजिंग ट्रेंड में हर जगह पे चल रहा है और अभी नया रूप ले लेता है तो तभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैलिड हो सकता है कि हम ले सकते हैं। पर अभी के लिए आपको उसके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। आपने 2 डोज लगा दी, आप आराम से रहिए, थोड़ा सा आप जो 3 मूल मंत्र उसको फॉलो कर लीजिए बिकॉज ये 3 मूल मंत्र कभी जा नहीं सकता जी। हम सिर्फ बोलेंगे कि हम वैक्सीन बार बार लगाते जाएंगे और ये तीनों नहीं कर पाएंगे तो फिर अल्टीमेटली रिजल्ट आपको 0 रहेगा। इसलिए खाली कोरोना से आपको प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारा जो इंडिया में अलग एक्चुअली हमारा जो इन्फेक्शन चारों तरफ रहता है उससे हमको बचना चाहिए। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि आपको दूसरा अभी लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब दोबारा एक्चुअली आपके चारों तरफ में कोई नया स्ट्रेन आता है तभी आपने मीडिया में आई जाएगा और हर जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारा जो वैक्सीन आपने लिए थे वो काम नहीं करेगा तो फिर आपको दोबारा लगाना चाहिए जी। अभी बिल्कुल नहीं। आइए अब प्रयागराज का रुख करते हैं, वहां से अनिल यादव हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। अनिल जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, क्या सवाल है आपका? सर जी मैं अनिल यादव प्रयागराज यूपी से बोल रहा हूँ। सर जी जी कहिए। नमस्ते बताइए। सर जी सारे लोग इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन मैं एक पहला क्वेश्चन है और अंतिम भी है मेरा। कहिए। इम्यूनिटी घटती कैसे है? डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा सवाल है कि इम्यूनिटी घटती कैसे है। यस ये भी जानना जरूरी है बिकॉज आपको कारण जब पता चल जाएगा शायद आप इम्यूनिटी बढ़ाने का आंसर भी उसमें मिल जाएगा। तो इम्यूनिटी घटने का कारण भी एक्चुअली जैसे मैंने बताया इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है उसी में ये छुपा हुआ है। सपोज आप लाइफ स्टाइल चेंजेस आपका अच्छा नहीं है इन द सेंस जैसे मैंने 5 चीज बताया, आप खाने में इधर उधर लेते हैं मतलब इन द सेंस कि हमने शरीर भगवान ने दिया है तो हम लोग सुबह दोपहर शाम को रात को जो हमारा 3 टाइम 4 टाइम खाना है खाना थोड़ा सा शुद्ध रहना चाहिए। आप आज होटल में खा लिए सुबह जाके कल जाके कुछ मैंने ग्रेवी बहुत ज्यादा हैवी खा लिए और रात को खाना नहीं खाया फिर अगले दिन भी पार्टी में चले गए। सपोज आपके खाने में ऐसे बहुत सारा इनडिसिप्लिन है बिकॉज हमारा खाना एक एसेंशियल चीज है हमारा शरीर को इम्यूनिटी और बैलेंस करने में। तो आपके खाना डिसिप्लिन है तो आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा। तो जहां पे खाने में गड़बड़ है तो आपको इम्यूनिटी कम होती जाएगी। दूसरा है कि आपके हमारा शरीर के लिए पानी की और नींद की जरूरत है। पानी आपको सफिशियंट जितना आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है उसको पीना है। सपोज आप आज काम में चले गए 2-3 दिन से पानी ठीक तरह से नहीं पी पाए, डिहाइड्रेशन थोड़ा हुआ है पर आप काम के चक्कर से ना भूल गए कि पानी पीना तो फिर बॉडी में अंदर बैलेंस नहीं आएगा। तीसरे काम के कारण से बस स्ट्रेस से आप नींद ठीक तरह से नहीं आ रहा है। एक दिन आपने नाइट ड्यूटी करे कोई बात नहीं पर आप मान लो कि अभी बहुत दिन तक आपके रात में ज्यादा जगना पड़ रहा है और नींद दिन में भी नहीं सो पाते हो तो फिर बॉडी के अंदर ना जो रेस्टलेसनेस अंदर रहता है बिकॉज आपको पैसा कमाना है भी काम में जाना है तो इसलिए तो आपको पता नहीं चल रहा है बट विथ टाइम बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम होते जा रहा है जब आपके स्लीप डिस्टर्बेंस होते हैं। तो इस हिसाब से आपके बॉडी में थोड़ा सा एक्सरसाइज चाहिए बिकॉज खाली खाना खाने से कुछ नहीं होता है, खाने के साथ मुझे बॉडी को बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज चाहिए कि 30 मिनट 40 मिनट जो भी सुबह थोड़ा सा दौड़ लिए कि दोपहर दौड़ लिए नहीं भी हो रहा है सुबह शाम कभी टाइम के हिसाब से थोड़ा सा उसी हिसाब से कर लिए योगा वगैरह तो उसी में भी आपको इम्यूनिटी बैलेंस रहती है। आइए अब उत्तराखंड चलते हैं, वहां से टेढ़ी गढ़वाल से संजय अपने प्रश्न के साथ इंतजार में हैं। संजय जी आपका इंतजार खत्म होता है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सिद्धार्थ भाई, पहले आपको सर नवीन नमस्कार और आपके जो ऑपरेटर हैं भाई उनके लिए तो विशेष धन्यवाद क्योंकि बहुत महान काम कर रहे हैं, उन्होंने मेरा फोन आपको दिया है ना जी। कहिए क्या? डॉक्टर साहब प्रणाम आपको, आप तो ऋषिकेश वाले हैं तो ऋषिकेश हमारे बिल्कुल पास में ही है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए मुझे, पहला मतलब पहली खुराक तो लग गई आज ठीक है ना? ठीक है। तो मेरे हो रहा है दांत में दर्द एक तो है ना, तो क्या मैं दांत दर्द की दवाई ले सकता हूँ? दूसरा इसी का पार्ट भी है कि अब मुझे वैक्सीनेशन कब लगनी, हालांकि मेरी आईडी आ चुकी है उसमें लिखा हुआ है लेकिन मैं फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि मुझे आज मान लो 12 फरवरी है
तो 12 फरवरी को मुझे इस खुराक का पहला डोज मिला है, दूसरा खुराक मुझे कब मिलेगा कृपया इस बारे में थोड़ा जानकारी देंगे तो बहुत महान कृपा होगी सर, धन्यवाद। चलिए थैंक यू। तो पहला सवाल का उत्तर है कि आपको दांत के जो दर्द है उसके लिए दवाई ले लीजिए, जो दांत के जो भी आपको दवाई मैंने डॉक्टर दिए हैं पर आप जो सोच रहे हो तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होता है वैक्सीन लेने के आसपास वो आपको लेना चाहिए, कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरे आपके सवाल की आपको नॉर्मली 28 दिन के बाद एक डेट आया होगा, वो आपको पहले से भी एक दिन पहले ही फोन आ जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि जो कोई नहीं हमारा आप होता है वैक्सीन के लिए, तो वो आपको कौन सी जगह पे वैक्सीन मिलेगा और कितने बजे आपको पहुंचना है वो डिटेल आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 28 दिन के बाद आपके पास आएगा। तो ये आपके 8 तारीख मान लो कि आप सपोज 12 तारीख अभी लगाए फरवरी में, तो 8 मार्च के आसपास आपको लग जाएगा। जी, हमारे नियमित श्रोता महेश शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनका क्या सवाल है, क्या जिज्ञासा है, क्या प्रश्न है। महेश जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत आप प्रोग्राम को बढ़िया तरह से पेश करने के लिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मालूम करना चाह रहा कि स्कूल खुलने की संभावना हो चुकी है, छोटे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएंगे? जी डॉक्टर, चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में स्कूल खोले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आर्या ये भी है कि बच्चों को कोविड का टीका नहीं लगाया जाएगा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। ऐसे में बच्चों को क्या सावधानियां बरतनी होगी ताकि वो कोरोना से बचे रहें और उनके परिवार कोरोना से बचे रहें? पहले तो आपको आश्वस्ति देता हूं ये बोल के कि बच्चों को ये कोरोना होता ही नहीं है ज्यादा। इन द सेंस की बोलने का मतलब है, सपोज मैं कंपेयर करता हूँ कि हम लोग जैसे मोर देन 18 साल के और 18 साल के नीचे में, तो ये अराउंड 10% बच्चे में होता है, तो 90% एडल्ट में होते हैं। ये खुशी खबर है कि आपके बच्चा जब बाहर जाता है तो उसमें आपको कोई चिंता करना जरूर नहीं है, पर जो 10% हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए हमारा जो 3 मूल मंत्र है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा और बच्चे से ही कराना पड़ेगा। बिकॉज आप नहीं करोगे तो फिर बच्चे भी नहीं करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि मेरा पापा ऐसे है, मेरा घर वाले ऐसे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो इसी में उनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि आप जब खांसी वगैरह आपको आता है, नहीं तो दूसरे से जो खांसी की जुकाम वाला लगता है दूसरे बच्चे से, उसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि क्लास में तो बगल वाला बैठ जाते हैं और शेयर भी करते हैं कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, दूसरे को देने, वो तो चलता रहेगा, पर वो बता दीजिए कि वो बच्चे को लग रहा है कि उनको खांसी जुकाम है, बुखार है, वो खुद नहीं जाना चाहिए स्कूल में, और दूसरे से हो रहे हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहे, ये पहला चीज आप उनको बताएंगे। दूसरे बताएंगे कभी भी लग जाता है कि खुद की खांसी जुकाम थोड़ा हो गया, नहीं तो दूसरे का पता चल गया खांसी जुकाम और अपने हाथ उसको मतलब मिल लिए थे हम दोनों दोस्त के हिसाब से, तो हाथ थोड़ा सा जाके धो ले। और जब घर आते हैं तो घर में वो ड्रेस को आप थोड़ा सा अलग रखिए, डेली के बेसिस में आप नया ड्रेस दे सकते हो, मतलब अल्टरनेट करके साफ सुथरा करके और हाथ पर थोड़ा धो के रखेंगे, तो ये मतलब सफाई में थोड़ा ध्यान देंगे तो फिर कोरोना तो जो 10% का जो चांस है वो पूरा जीरो हो जाएगा। बिकॉज यही हम पहले से ही बता रहे हैं कि वैक्सीन ही सोल्यूशन 100% नहीं है जी, क्योंकि वैक्सीन कुछ लोग को काम भी करता है, कुछ लोग को थोड़ा बहुत नहीं करता है और नया स्ट्रेन आ जाता है, पर ये आपने 3 मूल मंत्र फॉलो करेंगे जिंदगी भर के लिए तो कोई परेशान नहीं होगा। और अब संतोष जोशी इंदौर से। संतोष जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी सर, नमस्कार। जी, नमस्कार, क्या सवाल है आपका, क्या जिज्ञासा? मेरा सवाल यह है सर, सल्फा ड्रग से मेरे को रिएक्शन होती है। जी हाँ, तो रिएक्शन ले सकता हूँ क्या डॉक्टर? सल्फर ड्रग से इनको रिएक्शन? तो नॉर्मली कोई भी दवाई से आपको रिएक्शन है तो ये वैक्सीन आपको नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज ये वैक्सीन का जो कॉन्ट्राइंडिकेशन 100% होता है कि आपको रिएक्शन और कैसे हुआ था वो थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि सल्फर ड्रग्स में आपको जो आता मान लो माइल्ड रिएक्शन हुआ था कि जैसे आपको लगा कि बॉडी अंदर से रेस्टलेसन हुआ पर सच में सब दाने दाने आ गए थे, बुखार हुआ था, तो सच में एक रिएक्शन हुआ था जो डॉक्टर ने आपको बताया होगा, तो आप बिल्कुल मत लीजिए। अभी वैक्सीन जब नया और कुछ आ जाएंगे, बिकॉज अब ये वैक्सीन हमारा सभी के लिए नया है, अभी एक्चुअली नो डाउट सेफ्टी तो बहुत ज्यादा है पर ये रिएक्शन दोबारा कर सकता है, तो आपको थोड़ा सा जानलेवे भी हो सकता है, तो आप मत लीजिए, आप दूसरे 3 मूल मंत्र फॉलो कर लीजिए और वेट कीजिए, कोई अच्छा वैक्सीन जब आ जाएगा फिर आप लगाओगे। जी, हमारे अगले श्रोता हैं रामू यादव, ये हमें फोन कर रखे हैं जयपुर से, आइए सुनते हैं इनकी क्या जिज्ञासा है, क्या सवाल है। रामू यादव जी क्या सवाल है आपका? अच्छा जी साहब, जय श्री राम डॉक्टर साहब और नवीन साहब आपको। जी नमस्कार। जय श्री राम जी। ऐसा है कि ऐसे हम लोग नेत्रहीन है, चल फिर मिल सकते हैं जी। हम लोगों को टीके के लिए कैसे लगाएंगे कि हम लोग चले, हमारे वृद्ध आदमी 83 साल की उम्र है और मैं जयपुर झोटवाड़े रहता हूँ।
जी डॉक्टर साहब, ठीक है, तो इसमें आपके जो आया होगा कहाँ लगाने के लिए आपके जगह और कितने टाइम, तो उस टाइम आपको किसी को सहारा लेके वहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि इसी मतलब अभी जो हमारा मतलब गवर्नमेंट का जो ड्राइव चल रहा है वैक्सीन का, ये होम में नहीं है कि आपको जाके कहाँ आपके पास में लगा देंगे, पर आपको उसी जगह पे आना पड़ेगा, और कैसे आना पड़ेगा वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा दूसरे से हेल्प लेके। पर इसमें आपके इंजेक्शन तो बाहू में लगता है और पता भी नहीं चलता, जैसे एक चिंटिया काटती ना, क्योंकि मैंने खुद ही लगाया अभी फर्स्ट डोज एक्चुअली, तो पता भी नहीं चलता है कि थोड़ा सा इंजेक्शन उन्होंने दे दिए, फिर आप सार के साथ अपने अपने घर वापस आ गए। तो इसमें आंखों के इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आप आराम से लगा लीजिए, थोड़ा सा सहारा लेके दूसरे से। जी, मध्य प्रदेश से राजेश अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या जिज्ञासा है आपकी, क्या सवाल है आपका? मैं राजेश हेमा सिंहपुर बड़ा से बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि अगर किसी की अगर हाल ही में बाईपास सर्जरी हुई हो तो उसको क्या कोरोना वैक्सीन लेना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए डिले करना चाहिए? डॉक्टर साहब, हाँ, ये सपोज आपको अभी 15 दिन के अंदर आपने कुछ प्रोसीडर बाईपास हुआ है बा कोई भी इलनेस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, तो थोड़ा आप लेट लगाओगे तो अच्छा है, और 15 दिन से पहले हुआ था और अभी पूरा शरीर ठीक है, क्योंकि आप दवाई चल रहा है, अभी लास्ट 7 दिन में मान लो कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई सांस का नहीं है, छाती में दर्द नहीं है, आराम से लाइफ चल रहा है, तो आप लगा सकते हो। तो मेनली यही होता है, जो कोई भी वैक्सीन होता है, ये खाली कोरोना नहीं है, जिंदगी में कोई भी वैक्सीन लाइफ में आता है, तो आपको जो एक्यूट इलनेस बोलते हैं, मतलब आपको कोई परेशानी है, तब ये वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा लेट करके लगाओगे तो फायदा होती है। जी डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, क्या कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति को भी वैक्सीन लेना जरूरी है? जरूरी है, क्योंकि अभी तक एक्चुअली हमको पता नहीं चला जो कोरोना एक्चुअली हम हुआ था तो कितने दिन तक एक्चुअली शरीर में इसकी एंटीबॉडी रहता है, पर अभी तक जितना स्टडी है बोलते हैं 2 से 3 महीने तक रहता है, तो सपोज 3 महीना आपको हो गया तो आपको लगाना 100% चाहिए। उससे पहले भी आप लगाने से और एक फायदा होता है कि आप जब कोरोना आपको पहले हुआ था, अभी आप दूसरा वैक्सीन लग रहा है, मतलब एक एंटीजन, तो उसमें आपको इम्यूनिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मेरे हिसाब से आपको लगाना चाहिए, बट इतना अर्जेंट नहीं है, लगा देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, किसी व्यक्ति ने पहली डोज ली और दूसरी डोज के बीच 28 दिन का अंतर है, इस बीच अगर उसको कोरोना हो जाता है तो क्या उसको दूसरी डोज दी जाएगी या फिर कोरोना ठीक होने का इंतजार किया जाएगा? कोरोना ठीक होने का इंतजार जरूर किया जाएगा, जैसे मैंने बताया कि आप कोई एक्यूट इन्फेक्शन या एक्यूट इलनेस शरीर में आ जाता है तो उसी टाइम वैक्सीन में आपको नियाम नहीं दिया जाता है, बिकॉज वैक्सीन थोड़ा सा उसी को फिर बढ़ा सकता है, तो इसीलिए आपको अभी नहीं दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट स्लॉट के हिसाब से। पर आप कोरोना हो गया तो आप ऐसे ही प्रोटेक्टेड हो गए, जैसे मैंने बताया कि जो साइंस के हिसाब से 2-3 मंथ्स तो एटलीस्ट प्रोटेक्ट हो गए। जी डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास काफी कम है, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अब क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना के से बचने के लिए और वैक्सीन के लिए तैयार होने के लिए? मैं यही सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोरोना हमको आके बहुत सारा चीज सिखा के गया है, उसमें आप 2-3 चीज सीख लीजिए और लाइफ में अपना दीजिए। पहला चीज होता है तो कि हम साफ सुथरा थोड़ा रहें, कभी भी बाहर जाते हैं थोड़ा घर में वापस आते हैं भी किसी से दूसरे से टच होता है, थोड़ा सा हाथ साफ सुथरा करें। दूसरे है कि जब भी अननेसेसरी भीड़ में मत जाइए, और नहीं तो जा रहे हैं तो फिर जल्दी वापस आ जाइए, सो दैट जितना कम टाइम भीड़ में आप रहेंगे उतना जल्दी प्रोटेक्शन होगा, और भीड़ में जा रहे हो तो मास्क पहनना जरूरी है। तीसरी चीज है कि आपको वैक्सीन जब भी आपके नाम आ रहा है वैक्सीन लगाने के लिए आप जरूर लगाइए, उसमें कोई डरने का बात नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप वैक्सीन लगाने के लिए आज जा रहे हो उसी दिन आपको थोड़ा हाइड्रेशन अच्छा रखिए, पानी थोड़ा सफिशियंट पी के जाइए, बुखार थोड़ा लग रहा है तो पैरासिटामोल आराम से लीजिए, और थोड़ा मेंटल रिलैक्शन है, आप जितना स्ट्रेस लोगे सुनोगे नहीं उसको वैक्सीन में रिएक्शन हो गया, थोड़ा बुखार आ गया मुझे भी हो जाएगा, तो फिर वो हो ही जाता है। जी, क्योंकि हमने देखे जो लोग थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल पर्सनालिटी होते हैं जो वैक्सीन लगा देते हैं तो थोड़ा माइल्ड रिएक्शन हो ही जाता है। जी, तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सभी से, जब भी वैक्सीन लगा ले, बिकॉज वैक्सीन एक टीका जो है वो एक फ्लू है, वो मतलब आप वायरस एक लगाने के लिए जा रहे हो, तो जो वायरस आता क्या करते हैं हम लोग, रेस्ट लेते हैं, पानी सफिशियंट पीते हैं, रिलैक्स रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के डॉक्टर प्रसेन पंडा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIR NST Talks @gmail.com।